हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स नाउ द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स आर एनहेंसिंग विजुअल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इंप्रूविंग द रियलिज्म ऑफ द वर्चुअल कंटेंट नेक्स्ट एनहेंसिंग द क्रिएशन ऑफ थ्री मॉडल एंड एनिमेशन एंड इम्प्रूविंग द असेसिबिलिटी ऑफ द विज़अल कंटेंट ये सारे जो हैं एडवांटेज हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के जिन्हें हम अब वन बाई वन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है एनहेंसिंग द विज़अल कम्यनिकेशन जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो अलो करता है कि हम इफ़ेक्टिव इमेज़ को क्रिएट कर सकें और वीडियोज़ को भी क्रिएट कर सकें जिसकी हेल्प से हम अच्छे आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन जो हैं वो लोगों को दिखा सके कि वो उस इमेज को या वीडियो को देखते ही हमारा जो प्लान है जो या हम इंफॉर्मेशन उन्हें देना चाहते हैं उसे एकदम से समझ सके मतलब हमारी कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल है जैसे कि प्रेजेंटेशन हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम और पिक्चर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ईजिली जो है ग्रुप्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को ईजिली समझा सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन मतलब जो कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो हमें हेल्प करता है कि कोई भी डायग्राम इंट्रिकेट हो कॉम्प्लेक्स हो, हो जिसे बनाना मुश्किल हो इंट्रिकेट मतलब उलझा हुआ उट सा डिज़ाइन जिसको हम विद हैंड नहीं बना सकते ईजिली उस डायग्राम को या उस पिक्चर को भी जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही ईजिली बना देता है बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में बना देता है बिना किसी डिफिकल्टी के जो कि हम अपने आप अपने हैंड से बहुत मुश्किल से बना पाते तो ये भी जो है एक एडवांटेज है कंप्यूटर ग्राफिक्स का नेक्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूविंग द रियलिज्म ऑफ विजुअल कंटेंट मतलब ऐसी जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो क्रिएट करता है फोटो फ़ोटो रियलिस्टिक इमेजेस को और वीडियोस को मतलब इस तरह की इमेजेस जो देखने में बिल्कुल रियल लगे उन्हें कोई कह ही नहीं सकता कि ये क्रिएट की गई है या ये रियल है कुछ रियल जो लग सके इमेजेस बिल्कुल रियल लग सके इस तरह की जो इमेज है वो क्रिएट नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है एनेबलिंग क्रिएशन ऑफ थ्री मॉडल एंड एनिमेशन जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं वो हमें अलो करता है कि हम इस तरह की पिक्चर्स और वीडियो क्रिएट कर सके जो थी थ्री डी हो जो थ्री डी मॉडल्स हैं वो हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फिल्म में वीडियो में गेम में आर्किटेक्चर में थ्री डी मॉडल और एनिमेशन एनिमेशन आपने देखी होगी कार्टूनिस्टिक पिक्चर्स देखी होंगी जो बहुत ही देखने में अच्छी लगती हैं तो इस तरह के थ्री डी मॉडल और एनिमेशंस जो हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से बनाई जा रही हैं जो आज के टाइम में बहुत ही यूज़फुल और क्रिएटिव नज़र आती हैं नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है इम्प्रूविंग असेसिबिलिटी ऑफ विजुअल कंटेंट जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो हमारे विजुअल कंटेंट को इतने अच्छे तरीके से बनाता है कि जो पीपल हैं वो उसे उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं जैसे टेक्स्ट टू स्पीच एंड हाई कॉन्ट्रास्ट मोड्स ये इस तरह के टूल्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स जिससे हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी बने मतलब जो हम बोल रहे हैं उसके साथ साथ टेक्स्ट राइटिंग हो सके कुछ इस तरह के फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स नंबर वन डिसएडवांटेज है requiring specialized skill and software then have potentially leading an unrealistic or excreted representation next have taking time to create and the fourth disadvantage is potentially promoting our reliance on technology and the number fifth have being vulnerable to manipulation ये कुछ डिसएडवांटेज है कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं नंबर फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिक्वायरिंग स्पेशलाइज स्किल एंड सॉफ्टवेयर अगर हमें कुछ अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्किल एंड स्पेशली यूज्ड किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिएंगे जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं और उन्हें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पोटेंशियली लीडिंग टू अनरियलिस्टिक और एग्जीग्रेटेड रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू क्रिएट अनरियलिस्टिक और एक्जीग्रेटि रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की और किसी भी सीन की जो मिसलीड करता है और मिस इनफॉर्म करता है व्यूवर को मतलब कई बार कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से कुछ इस तरह की वीडियो या सीन क्रिएट किए जाते हैं जो हमें बिल्कुल रियल लगे बट एक्चुअल में वो रियल नहीं होते हैं. तो इस तरह से कई लोग जो हैं इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं या फिर लोगों को मिस इंफॉर्म भी कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट या डिसएडवांटेज भी हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का है नेक्स्ट डिसएडवांटेज है टेकिंग टाइम टू क्रिएट जो हम क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स को ये क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लेती है और इसके लिए मल्टीपल रिविजन्स और इटरेशंस की भी ज़रूरत हमें पड़ती है तो ओवरऑल जो है इस टाइप की पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास आता है पोटेंशियली प्रमोटिंग द रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिलायंस क्या है यहाँ पर रिलायंस का मतलब है भरोसा ओके okay, जो हमारे पास ये कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं ये लोगों को इतना भरोसा दिला देती है टेक्नोलॉजी पे कि जो ट्रेडिशनल आर्ट और डिज़ाइन स्किल्स थी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है जो पुराने टाइम में पेंटिंग्स और अच्छी अच्छी स्किल्स हमारे पास थी पुराने टाइम की उनका कहीं ना कहीं आज के टाइम में लोगों ने यूज़ करना बहुत कम कर दिया है नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज है बीइंग वर्लनरेबल टू मैनिपुलेशन वर्लनरेबल का मतलब है असुरक्षित जो हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो हमें जब हम मैन्यूपलेट करते हैं या अलर्ट करते हैं तो वे दैट नॉट बी इमीजिएटली अपेरेंट जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से बनी हुआ कोई भी कंटेंट देखते हैं हमें उस पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए हमें अपने आप भी समझना चाहिए कि exactly एग्जैक्टली ये चीज़ यही है या नहीं जैसे कई बार वो हमें कोई प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके दिखा रहे होते हैं कि देखो ये कितने अच्छे से वर्क कर रही है बट हमें खुद पे भी भरोसा रखना चाहिए कि एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट इतना अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं या फिर ये सिर्फ़ एक धोखा है जो हमें दिखाया जा रहा है और हमें मिसलीड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज थे कंप्यूटर ग्राफिक्स के होप सो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट द ब्यूटिफुल कमेंट Thank you so much.